हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्कोडा और फॉक्सवैगन कार्स की वाइपर कंट्रोल के बारे में। सभी जर्मन कार्स में जो वाइपर कंट्रोल, वो स्टीयरिंग की राइट हैंड साइड में जो लीवर है वहीं पे अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लेफ्ट साइड में जो मार्क किया गया है ये फ्रंट विंडशील्ड के वाइपर के लिए, और राइट साइड में जो दिया गया है वो रियर विंडशील्ड वाइपर के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ सॉलिड लाइन है और कुछ आउटर लाइन है। जो आउटर लाइन है इसका मतलब ये स्प्रिंग लोडेड है, और जो सॉलिड लाइन है वो स्टेप है, मतलब वहाँ पे एक स्टेप रहता है ये लीवर। पहले फ्रंट विंडशील्ड वाइपर के देखते हैं। सबसे नीचे वाला जो पोजीशन है वो ऑफ है, इसके नीचे वो स्प्रिंग लोडेड फंक्शन है, वहाँ पे आपका स्टेप नहीं रहेगी। जैसे कि अब ये लीवर ऑफ पोजिशन में है, एक बार अगर नीचे पुल करेंगे तो स्प्रिंग लोडेड फंक्शन है, वन टाइम वाइप होगी। ये फ्रंट वाइपर की बात हम कर रहे हैं, ये ऑफ पोजीशन में है, तो इसका मतलब अभी अगर बारिश भी होती है, कुछ भी होती है, कितने भी पानी डालते हैं तो ये वाइपर नहीं चलेगी। ये जो उसके बाद नेक्स्ट वाला पोजीशन है जो वो है इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट का मतलब ये होता है कि अगर आपकी कार में ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर से, तो फिर वो रेन को सेंस करके ऑन हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि आपकी कार या वाइपर रेन को सेंस करके ऑटोमेटिक ऑन या फिर ऑफ हो जाए, तो फिर आप इस पोजीशन में आपको रखना पड़ेगा। और इस पोजीशन में जब आप रखेंगे तो ये रेन को कितना सेंस करेगा, मतलब कितने स्पीड से वाइप करेगा, वो डिपेंड करता है इस बटन के ऊपर। जितना आप राइट को लेंगे इतना ज्यादा सेंस करेगा, और जितना लेफ्ट को रखेंगे उतना कम सेंस करेगा। अभी ये सबसे मिनिमम में है, अभी देखिए ये वाइप कर रहा है, और अगर एक स्टेप ऊपर कर दूंगा मैं तो अभी थोड़ा कम इंटरवल में वाइप करने लगा। ये डिफरेंस आपको इसलिए नहीं पता लग रहा है कि काफी कम का डिफरेंस है, कुछ 3 या 4 सेकंड का डिफरेंस है। अभी हम मैक्सिमम कर लेते हैं, अभी देखिए वाइपिंग स्पीड काफी बढ़ गई। तो ये हो गया इंटरमिटेंट की। ये जो रेन का सेंसर है वो आप विंडशील्ड के मिडिल पोर्शन टॉप में रियर व्यू मिरर के ऊपर लगा है। उसके बाद आता है लो। लो और जो हाई है ये दोनों पोजीशन एक फिक्स्ड स्पीड पे डिफाइंड है, तो जब लो करेंगे तो इसी स्पीड में वाइप करेगी, और अगर हाई करेंगे तो ये फुल स्पीड में वाइप करेगी। अब देखते हैं राइट हैंड साइड में जो ऑप्शंस दिए गए उसके बारे में। ये जो सिंबल है ये फ्रंट विंडशील्ड की सिंबल है, और जो रेक्टेंगल टाइप का सिंबल है वो रियर विंडशील्ड का है। अगर आपके पास वर्टस या फिर स्लाविया टाइप का कोई सेडन है तो फिर आपको ये पीछे का दो ऑप्शन नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसमें रियर वाइपर अवेलेबल नहीं होती, बस ये दो ऑप्शन मिलेंगे। अब ये दो ऑप्शन पहले देख लेते हैं। अभी ये ऑफ पोजीशन में है, इसका मतलब ये रियर वाइपर ऑफ पोजीशन में है, ये रियर वाइपर के ज्यादा कंट्रोल से, लेकिन इसमें एक फ्रंट वाइपर का भी ऑप्शन है। अगर आप एक बार अपने तरफ पुल करेंगे तो फिर ये वॉशिंग और वाइपिंग होगी। इसका मतलब जो फ्लूड या फिर वाटर आपने भरे हैं वाइपर टैंक में वो स्प्रे होगी, उसके बाद वाइपर रन होगी, फिर ये ऑफ पोजीशन में आ जाएगी, क्योंकि ये स्प्रिंग लोडेड फंक्शन है। अब एक बार अगर पीछे पुश करेंगे ये रियर विंडशील्ड का वाइपर ऑन पोजीशन है, इसका मतलब रियर विंडशील्ड जो है उसकी वाइपर ऑन हो जाएगी। और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 4 पोजीशन है, लेकिन ये पोजीशन का कोई काम नहीं है। जो रियर वाइपर है वो रेन सेंसिंग वाला नहीं है, इसलिए एक सेम इंटरवल में ये चलती रहेगी जब तक आप इसको ऑफ पोजीशन में नहीं ले आते। ये रियर वाइपर ऑन है और ये रियर वाइपर ऑफ है। अगर नीचे की तरफ पुश करेंगे
रियर विंडशील्ड एक बार वॉश होगी फिर वाइप होगी। फिर हम इसको ऑफ पोजीशन में ले आते हैं। अगर आपकी कार में ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर की ऑप्शन है तो फिर वो फीचर को आप यहां से एनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। सेटिंग्स के अंदर वाइप रियर विंडो इन रिवर्स करके एक ऑप्शन अवेलेबल है, इसको अगर आप टिक करते हैं तो क्या होगी, अगर आपका फ्रंट का वाइपर ऑन है और आप रिवर्स करते हो फिर आपका रियर वाली वाइपर ऑन हो जाएगी। अभी मेरा फ्रंट का वाइपर ऑन नहीं है इसलिए रियर का वाइपर भी नहीं चालू हुआ। एक बार फ्रंट का वाइपर ऑन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये जो रियर वाइपर है वो कुछ इंटरवल में चल रही है। और फाइनली अगर आप रेन के टाइम ड्राइव करते हैं और फ्रंट विंडशील्ड की आपको रिफ्रेशिंग करने की जरूरत पड़ती है तो फिर आप उसको इस बटन से कर सकते हैं।